नफ्स और अपनी जात के साथ कि आप अपनी हैवानी खुसूसियात दूर करके एक इंसान बने, एक जिम्मेदार फर्द बने, आपकी अपने नफ्स और अपनी रूह और अपनी जात के साथ अपनी खुदी को बुलंद करने का, उसकी रफाकतों का एक जायका चखने की जरूरत है। ये इत्तेफाक अव्वल है। और दूसरा इत्तेफाक वो है कि जब इंसान घर बसाता है जिससे औलाद पैदा होती है, उसके चार बुनियादी स्तून शौहर, बीवी, औलाद और उसकी खिदमत के लिए काम करने वाले अफराद, इत्तेफाक सानी। इसी तरह इत्तेफाक सानी में ये भी शामिल है कि एक बाजार बनता है जिसमें एक ताजर, एक काश्तकार है जो काश को पेशा इख्तियार करके सोसाइटी में वो प्रोडक्ट तैयार करता है जिसमें एक यूटिलिटी होती है जो इंसानी एहतियाजात और जरूरियात की तकमील करती है, वो तजारत करता है, वो दीगर शोबा जात में तखलीकी सरगर्मियों का मुजाहरा करता है। शाह साहब कहते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, घरेलू निज़ाम के लिए तदबीरुल मंजिल, पेशों के लिए हिकमत इक्तिसादिया, ज़राअत, तिजारत और सनअत के असास पर दौलत की पैदाइश, तकसीम, तबादला और कंजम्पशन, सब इन तमाम के मराहिल की जो अंजुमने, जो तंजीमें, जो बाजार, जो शहरियत वजूद में आती है, इसे शख्सात मुआशरे का दूसरा स्टेप करा देते हैं, ताल्लुकात की ये दूसरी शक्ल है। और तीसरी शक्ल, तीसरा स्टेप ये है कि किसी जोग्राफियाई हदूद में बसने वाले इंसान और इंसानों पर मुश्तमिल जो मुख्तलिफ शहर और बस्तियां हैं वो एक रियासती निज़ाम है, अपने आप को इस तरीके से परो ले कि उनका कौमी सतह का एक सियासी निज़ाम, एक मुआशी निज़ाम, एक अखलाकी और मुआशरती निज़ाम वजूद में आए, जिसे इस शख्सियत की इस्तेलाह में इर्तिफाक सालिस कहते हैं। सियासत से मुराद एक ऐसी अथॉरिटी का क़याम है कि जो इर्तिफाक सानी में इंसानों के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप हुई है उसको दुरुस्त हुदूद पर बरकरार रखने के लिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें।